Hello everyone, good evening and most welcome to the Physicam Academy. This is Divya Agarwal and हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, हम लोग अब पढ़ेंगे आगे की कहानी. ठीक है, तो अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा, ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों को हम आगे लेकर चलेंगे. तो दिस इज अ लेक्चर जहाँ पे हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे. तो अभी तक जो क्वेश्चंस गाइस हमने किए थे वो थे हमारे यू नो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के. तो आज का हमारा जो लेक्चर है, दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, और जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कैरथर के क्वेश्चन थोड़े से कवर अप करेंगे. ठीक है, मतलब वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर्स में. ओके ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द क्लास गाइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के कुछ क्वेश्चंस. ओके, फ्रॉम दैट आर हैंड पिक्ड फ्रॉम कैरथर्स. ओके, कैरथर्स के क्वेश्चन हम करेंगे गाइस, हमारे क्लेडन के और बाकी जो भी पीवाईक्यूज वगैरह थे वो सब ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं. थोड़े बहुत अगर बचे होंगे तो वो हम बाकी आगे के लेक्चर्स में देख लेंगे. ठीक है ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा क्वेश्चन आप सभी के लिए जो कि आपको ऐसे दिख रहा है. ठीक है, और इसको हम क्या दे रहे हैं, दिस थिंग, इससे आपको ये मिलेगा. सेकेंड स्टेज में वी आर प्रोवाइडिंग इट विद ब्यूटाइल लिथियम, THF दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, -78°C, एंड इससे हमको मिलेगा B. ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोलिसिस भी कर लेते हैं. ओके, तो इससे हमको मिलेगा C. सो गाइस प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए तो आई होप आपने ट्राई किया होगा. तो भाई सबसे पहले व्हाट विल हैपन, सी वी हैव यहाँ पे सल्फर, है ना, हमारे पास में सल्फर है, और सल्फर के पास में यू नो लोन पेयर्स होते हैं, यू नो इट वेरी वेल, एंड बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर हैं तो ये दिस इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये लीविंग ग्रुप है, दिस इज अ गुड लीविंग ग्रुप. तो जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन को अटैक करेगा और ब्रोमीन को करेगा एलिमिनेट. ठीक है, तो ऐसा करने के बाद में गाइज क्या होने वाला है, यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे आपको मिल जाएगा यू नो इस पॉइंट पे, ये जो आपका पॉइंट है, अब अगर आप चाहो ना तो इसको थोड़ा सा सही तरीके से कवर अप कर सकते हो. लाइक आई कैन पुट लाइक दिस सल्फर, यहाँ पे भी हमारे पास में सल्फर है, एंड यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस. ओके, इस तरह से आपने बना दिया, अब सल्फर पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, नाउ यू नो वॉट ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है, दिस इज ए बेसिकली, तो अभी ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास में यू नो प्रोटॉन है प्रेजेंट जो कि टेकअप कर सकता है ये ब्यूटाइल. तो जो ब्यूटाइल है दिस इज अ बेस, ओके, ब्यूटाइल लिथियम ये आपका बेस है, तो क्या करने वाला है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा. तो बेसिकली इस तरह से कुछ होने वाला है. ठीक है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे भी सल्फर, इस तरह से कुछ बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. तो उसके बाद में क्या होने वाला है गाइस, के बाद में हम इसको नंबरिंग करके आगे चलते हैं. तो दिस इज 3, 2, 1 एंड दिस इज 1 एंड देन 2. तो ये 1 इस 3 पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये इसको नलीफाई करेगा. ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे भी सल्फर, इस तरह से कुछ. ठीक है, ऐसा कुछ मिल गया आपको. ठीक है, नाउ अब आप क्या कर सकते हो गाइस, दिस इज अवर बी, नाउ यू नो इसको हाइड्रोलाइज कराया हुआ है, तो इफ़ यू जस्ट हाइड्रोलाइज देन दिस यू नो मोजिंगो टाइप्स, एक्चुअली दिस इज डाइथाइन्स विच इज अ प्रोटेक्शन. ओके, तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, या डी प्रोटेक्शन हम कहेंगे बेटर. तो हम इसको डी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो डी प्रोटेक्शन हो जाने से दोस्तों
क्या होने वाला है, यू विल बी गेटिंग सम, आई एम सॉरी, यू विल, यू नो, ये वाली चीज जो है वो रिमूव हो जाएगी यहाँ से. तो डायरेक्टली लेट अस जस्ट, सॉरी, या तो डायरेक्टली व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग सी एच ओ ओवर हियर. सो दिस इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस रघु, हम बच्चे नहीं आए. हाँ कर दो ग्रुप में, वैसे मैंने किया तो था, आई थिंक उन्होंने देखा नहीं है क्या. आयुष बेस्ट, आयुष बेस्ट नाम सुनो सुनो से लग रहा है. अश्लेषा, टीना, प्रतीक्षा एंड एवरीवन, गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम अश्लेषा एंड रघुनाथ. बच्चे आए या नहीं आना चाहते हैं पूछ लेना, एक बार बोल देना, है ना. चलो, सो दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबडी? नो इशू ना? जल्दी से लिख लो इसको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग गाइस. ओके, एंड ये रहा हमारा अगला सवाल. क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ पे वी हैव नाइट्रोजन, यहाँ पे वी हैव डबल बॉन्ड ओ, देन वी हैव नाइट्रोजन के साथ में दो मिथाइल ग्रुप, एंड यहाँ पे कहीं पे सल्फर है, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे यू विल बी गेटिंग सी ओ ओ एम ई. ठीक है, इसको अगर आप ये चीज प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, सेकेंड स्टेज में यू आर प्रोवाइडिंग इट विद एसीटोन, इससे आपको ये मिलेगा. फर्दर मोर अगर आप इसको सोडियम हाइड्राइड दे दें और डीएमएफ एंड पीएचएच, पीएचएच मींस बेंजीन, तो इससे आपको बी मिलेगा. ओके, ट्राई, जस्ट ट्राई. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आ जाते हैं. तो सी गाइस, सबसे पहले क्या होने वाला है, यहां पे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज अ लीविंग ग्रुप. ओके, एलिमिनेट हो सकता है, तो जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, बेसिकली इधर अटैक करेंगे और बीआर को एलिमिनेट कर देंगे. तो ऐसा हो जाने के बाद में यू विल बी गेटिंग नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, फिर हमारे पास में नाइट्रोजन है, दो मिथाइल ग्रुप हैं, इसके साथ में एक कार्बन, दूसरा कार्बन एंड तीसरा कार्बन, इस तरह से जुड़ जाएगा. ठीक है, हाँ यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो. ठीक है, ऐसे था एक्चुअली क्वेश्चन में. ओके, और यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल उसी तरीके से आप बनाएंगे, बिकॉज वो वहीं पे है जहाँ पे दिख रही हैं. ठीक है, अब इस तरह से हमने बनाया. अब उसके बाद में क्या होने वाला है, ये जो चीज़ है, अब इसके बाद में गाइस सोडियम हाइड्राइड दिया हुआ है एंड यू नो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो सोडियम हाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. तो ऐसा हो जाने के बाद में डबल बॉन्ड हो, वी हैव नाइट्रोजन, यहाँ पे दो ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एंड देन यू विल गेट सल्फर,
ओके एंड देन वी हैव सी ओ ओ एम ए. ओके नाउ 3 2 1 1 2. अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको नंबरिंग कर सकते हैं. सो दिस इज 3 2 या फिर 1 2 3 भी कर सकते, इट्स ऑल अप टू यू. ठीक है 1 2 3 करने बेटर रहेगा, 1 2 3 1 2. तो वही 2 3 सिग्मेट्रोपिक रिएक्शन गाइज हो जाएगा यहाँ पे. तो ऐसा हो जाने के बाद में वॉट यू विल बी गेटिंग, यहाँ पे यू हैव नाइट्रोजन. देन अब क्या होने वाला है, जो ये वाला पोर्शन आपका ब्रेक हुआ है ना, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन एंड 2 मिथाइल ग्रुप्स आएंगे और यहाँ पे एक 3. ओके एंड देन सेकेंड पार्ट एंड यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड, मतलब इस तरह से लगा दो और कुछ भी नहीं है. यहाँ पे सल्फर एंड दिस. ओके तो ये आपको मिल जाएगा और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सी ओ ओ एम ई लगा हुआ. अब इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट चेंज द स्टीरियो ऑफ दिस ऑल्सो, तो दिस विल बी द अल्टीमेट प्रोडक्ट. ओके ये ऑलरेडी आ चुका है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ओके आई थिंक गेट में आया था. ओके सो आई होप दिस पार्ट इज, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी एंड देर इज नो इश्यू एज सच. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं गाइस. जस्ट अ मिनट. तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है डबल बॉन्ड. यहाँ पे हमने NME2 लिया है, इसको फर्स्ट स्टेज में वी आर प्रोवाइडिंग विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उससे हमको ए मिलेगा. एंड देन उसके बाद में वी आर प्रोवाइडिंग इट विद हीट, उससे हमको बी मिलेगा. एंड उसके बाद में जस्ट प्रोवाइडेड विद जिंक एंड देन एसाइल अल्कोहल एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ना अल्ट्रासाउंड. तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली रेडिएशंस, ठीक है. अल्ट्रासाउंड यहाँ पे किया तो उससे आपको प्रोडक्ट सी मिला. ओके तो अल्ट्रासाउंड से कन्फ्यूज मत होना, सिंपली वो मैं बताऊँगी क्या होगा आगे, ठीक है. सो नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट विल हैपन, यहाँ पे आपको यू नो नाइट्रोजन दिया हुआ है इस तरह से. आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हीटरो एटम को ऑक्सीडाइज करता है, तो इस तरह से आप लेने वाले हो ऐसे करके. यहाँ पे नाइट्रोजन एंड देन यू विल बी गेटिंग ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव. अब आप देख लो गाइस क्या यहाँ पे 2 3 या 3 3 कुछ हो पा रहा है. लेट अस सी, 3 2 1 1 2. यस ऑफकोर्स यहाँ पे 2 3 सिग्माट्रोपिक हो पा रहा है. तो क्योंकि 2 3 सिग्माट्रोपिक है तो इस पॉइंट को इधर 3 पर अटैक कर दो इसको इधर, और ये चीज़ आपकी एलिमिनेट हो जाएगी. तो ऐसा हो जाने के बाद में यहाँ पे इस तरह से बना, ठीक है. अब उसके बाद में जो आपका ऑक्सीजन है यहाँ से, मतलब जो चीज़ है वो तो ऐसा चलेगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा ना, ये जो येल्लो से मैंने हाईलाइट किया वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा, तो जो ये वाला पार्ट है वो तो ऐसे ही रहने वाला है. और यहाँ पे हमारा रहेगा यू नो ऑक्सीजन एंड देन एन के साथ में O2ME ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है. अब इसके बाद में जिंक एसाइल अल्कोहल दिया हुआ, तो बेसिकली कुछ नहीं, इसको ब्रेक करेगा ये अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी लिखा हुआ है सबका सब उसको ब्रेक करके यहाँ पे H+ प्रोवाइड कर देगा. तो इससे आपको अल्टीमेटली ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा. ओके तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं. हाँ अल्ट्रासाउंड लिख के देगा ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ. हाँ इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि ईजी भी है सॉल्व करने में भी, ठीक है. कौन से में नहीं समझे रघु, लास्ट स्टेप नहीं समझे. ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको अटैक किया 3 को, ठीक है. तो यहाँ पे ये कार्बन आ रहा है 1
ये टू और ये थ्री, ठीक है, तो ये लो, ये वन, ये टू और ये थ्री। अब टू और थ्री के, टू और वन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये लो आ गया, ये टू और वन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, बस दैट्स इट। रघु, समझ में आ गया आपको? हाँ फाइन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला भी समझ में आ गया, लिख लिया ना सबने? यस रघु, ओके वेरी गुड। तो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो ये हमारा सवाल है, इसको आपने हीट किया, इससे आपको प्रोडक्ट ए मिलेगा, एंड फर्दर मोर इसको हीट किया, इससे आपको प्रोडक्ट बी मिलेगा। ओके ये प्रीवियस ईयर में अभी तक तो नहीं आया है, बट आने के चांसेस ज़रूर होते हैं क्योंकि तो इजी है। ओके ट्राई करो। चलो, सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। वही सबसे पहले होगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। यस, तो यू कैन सी ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, इस तरह से आपका ये रिंग ओपन अप हो जाएगा। ओके बिकॉज और कोई चांस है ही नहीं, और कुछ हम कर नहीं सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। ऐसा, ठीक है, अब ये तो आपका ए बन गया। अब जो आपका ये ए बना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिंग क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो ये डील्स ऑल्डर रिएक्शन टाइप्स हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोज नहीं हो जाएगी। अभी अभी तक हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग करी, अब सेकेंड स्टेज में हम उसको रिंग क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो ये इसको इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर और ये इस तरह से। तो बस जो भी बनता है उसको आप जोड़ जाड़ के लिख दो, Me3Si, दिस इज ऑल्सो Me3Si एंड लाइक दिस। ओके इस तरह से जुड़ जाएगा आपका जो भी पार्ट बनेगा, बाकी सब एज सच जो भी है। एम ई यहाँ पे था, तो दिस इज योर प्रोडक्ट। ये एक बार आया था किसी एग्जाम में आई थिंक, इससे कुछ मिलता जुलता, वह एग्जैक्ट नहीं, इससे कुछ मिलता जुलता। ठीक है,
So I hope you guys are done with this. Yes. Now let me write another question. Okay, sometimes you'll get decal in along with that, okay? Okay, sometimes you'll get decal in. I mean now usme decane likha hua hoega. Okay? So aapko samajh jana hai ki usme bhi kuch nahi same kaam hi hota hai. It will act as a solvent only. Okay? इसको आप प्रोवाइड करोगे हीट एंड देन डेकलिन से आपको ये मिलता है. फर्दरमोर आप इसको 5% पीडीसी दे रहे हो. पीडीसी मतलब डिहाइड्रोजिनेशन. ये क्या करता है? डिहाइड्रोजिनेशन. डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करेगा. इसको आप एरोमेटाइजेशन भी कह सकते हो. दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज एरोमेटाइजिंग एजेंट. ओके, it just aromatizes. Is that clear? It just helps in aromatization. Is that clear, hello Ajit? Okay, so at least try to solve this question. Okay, so yeah, you can try now. Let me tell you one thing. What will happen, guys? यहाँ पे ये चीज़ आपकी अटैच करेगी इस तरह से. ये इधर और ये इस तरह से मूव करेगा. वैसा मूवमेंट होने के बाद में यू विल बी गेटिंग नाइट्रोजन ओवर हियर, यू विल बी गेटिंग हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ पे ओ एम ई आया, यहाँ पे पी एच आया. सो दिस बिकम्स योर ए. ओके, एंड अभी इसमें क्या बोला है? 5% पीडीसी. और मैंने आपको बता दिया दैट पीडीसी इज डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट और एरोमेटाइजिंग एजेंट. यू कैन फाइनली अंडरस्टैंड दैट वी हैव हाइड्रोजन ओवर हियर एंड दीज टू विल गेट एलिमिनेटेड विच विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस दैट डबल बॉन्ड ओवर देयर. जिसकी वजह से क्या होने वाला है? सारी सारी जो रिंग्स हैं आपकी वो एरोमेटाइज हो जाएंगी. यस, ओके. सो हियर वी हैव ओ एम ई, हियर वी हैव पी एच एज वेल. ओके, सो दिस इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट. क्लियर? PHME is toluene, guys. Okay.
यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप. ओके मैंने आपको ऐसे क्लास में गाइस बहुत बार कराया ये वाला क्वेश्चन. ओके सो आई डोंट थिंक किसी को कोई इशू आना चाहिए. अगर आ रहा है तो मुझे प्लीज बोल देना. मैम प्रीवियस ईयर कब शुरू हुआ था और सिलेबस कब खत्म हुआ था? रघु कहाँ पे? एक मिनट अश्लीष. अतिमन्यु कहाँ पे? यहाँ पे सी एस सी. सॉरी वो एक क्या हुआ ना, मिस हो गया गाइस. एक मिनट. अतिमन्यु आर करेक्ट. जस्ट अ मिनट. एक ना एक्चुअली सी एस सी मिस हो गया, तो इस चक्कर में गलत चलत हो गया. ठीक है, यहाँ पे एम ई आएगा, यहाँ पे पी एच आएगा. ओके यहाँ पे एम ई है और यहाँ पे पी एच है. ओके बिकॉज ये वाला सी एस सी मिस हो गया था. ओ एम ई है, सी एस सी एंड देन पी एच है. अतिमन्यु इज दिस फाइन ना? प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन या थियरी? सिलेबस खत्म हो गया था आपका जुलाई को, जुलाई लास्ट डे को. अभी तो रिविजन चल रहा है. तो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर नजारोव? तो नजारो साइक्लोरेशन गाइस यहाँ पे होगा बेसिकली. ठीक है, तो नजारो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, मैं सीधा इसको लिख देती हूँ. ऐसे एम थ्री आपको पता है एलिमिनेट हो जाता है अल्टीमेटली. तो ये वाला स्टेप मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ बहुत बार. तो लेट मी जस्ट राइट डायरेक्टली द प्रोडक्ट. ओके यू विल गेट दिस प्रोडक्ट. ओके अब इसके बाद में इसको दिया हुआ है H2PDC. तो H2PDC बेसिकली क्या करने वाला है, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा. और जब वो उसको रिड्यूस कर देगा तो आपको इस तरह से कुछ मिलने वाला है. यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस. ओके एंड इसके बाद में ये जो PH3PHCH2 गाइस दिस इज येलेड. ओके और ये क्या है, ये आपका जो येलेड है ये अल्टीमेटली क्या करेगा, एल्कीन बनाएगा. तो बेसिकली आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, PH3P double bond CH2. So what will happen, यहाँ से ये eliminate हो जाएगा and this elimination will ultimately result in the production of this thing. Okay, you will get यहाँ पे CH2. So this is the ultimate product. Is that clear? तो ये हमारा ultimate product बन जाएगा वहाँ पे. किसी को दिक्कत है यहाँ तक समझने में? या ओके फाइन, थियरी कंप्लीट हो गया था. प्रीवियस ईयर थियरी मैंने नहीं कराई. व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर थियरी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, होते रहेंगे वो तो, है ना, हर मंथ. ओके सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें. आ गया ना? कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो, फिर मैं आपको मिलूंगी दोबारा. सो आई विल सी यू नेक्स्ट डे. ओके फाइन. हाँ एच प्लस दिया है अतिमन्यु. अभी क्या हो गया, सब डिलीट कर दिया, गलत बटन टैप हो गए, एवरीथिंग इज डिलीटेड नाउ. ओके सो नाउ आई विल सी यू टुमारो. कल हमारा जो शेड्यूल है गाइस वो है, सबसे पहली क्लास है 8:30 बजे, 8:30 AM. ओके जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी वाई क्यूज करेंगे किस किस टीरियो के. दूसरी हमारी जो क्लास है दैट विल बी एट अराउंड या 6:15. कल सिर्फ दो ही क्लास आए थे, 6:15 PM. तीन ले लेते हैं, चलो एक और ले लेंगे ये वाली, 7:30 ले लेंगे ये वाली आज कल. ठीक है, तो विल टेक थ्री क्लासेस टुमारो, हो सकता है चार भी ले सकती हूँ.
ओके आई विल टेल यू, आई विल अपडेट यू. ये दोनों फिक्स नहीं है बट ये तो फिक्स है, ठीक है, फाइन. ओके चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, एंड फर्स्ट टाइम